तो गाइस आजकल जो स्टैटिक रील्स अपलोड होते हैं इंस्टाग्राम पर, सो स्टार्टिंग में आपको ब्लैक स्क्रीन या क्लाउड थंडर पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ ही आता है, ठीक है। सो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ ब्लैक स्क्रीन के रिलेटेड, प्लस जो क्लाउड थंडर है उस पर टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हो। सो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और वीडियो। तो आओ चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लाउड थंडर पर टैक्स कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो चलो चलते हैं वीएन एप्लीकेशन के अंदर। सो वीएन एप्लीकेशन के अंदर आपको सबसे पहले अपना एस्टेटिक वीडियो जो आपने एडिट किया उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। देन यहाँ आपको करना है यहाँ पर क्लिक, और यहाँ से वीडियो के अंदर चलना है, और यहाँ से जो क्लाउड थंडर वाला है वो वीडियो ऐड कर लेना है, ठीक है। सो ये वीडियो की ड्यूरेशन कुछ 8 सेकंड है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उसको दोबारा भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ से मैं इसको स्पीड करके थोड़ा कट कर देता हूँ। सो ओके गाइस, सो ये हो जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने वीडियो के अंदर म्यूजिक ऐड करना है, ठीक है। सो म्यूजिक ऐड करने के लिए गाइस आपको करना है यहाँ पर क्लिक, देन चलना है म्यूजिक के अंदर, और यहाँ से करना है म्यूजिक को ऐड। अब म्यूजिक को गाइस आपको केयरफुली सुनना है, और उसको अकॉर्डिंग आपको अपने वीडियो के जो ये क्लाउड थंडर है उसको अंदर टेक्स्ट ऐड करना है। सो गाइस टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको करना है यहाँ पर क्लिक, देन चलना है टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ से गाइस हमें स्टैंडर्ड ही चूज करना है। देन यहाँ से आपको टेक्स्ट ऐड कर देना है। सो टेक्स्ट ऐड कर देना है, देन यहाँ आपको सिंबल भी कुछ ऐड करना है, ठीक है। सो ये वाला सिंबल काफ़ी सही है। देन यहाँ से आप फॉन्ट भी चूज कर सकते हो, मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ और इसकी साइज थोड़ी कम कर देता हूँ। सो इस तरह आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। सो देन यहाँ मोशन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक एनिमेशन दे देंगे अपने टेक्स्ट को, ठीक है। इस तरह आप अपनी वीडियो के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो चलो गाइस अब हम जानते हैं कि ब्लैक स्क्रीन के अंदर डस्ट इफेक्ट प्लस वेरियस टाइप्स ऑफ सिम्बल्स या जो स्टिकर्स है वो आप कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो चलो चलते हैं वीएन एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस ब्लैक स्क्रीन को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है, देन चलना है मटेरियल के अंदर, और यहाँ से ब्लैक स्क्रीन को ऐड कर देना है, ठीक है। सो अब हमें डस्ट इफेक्ट ऐड करने के लिए गाइस आपको यहाँ सिंपल से करना है यहाँ पर क्लिक, देन यहाँ आपको अंदर चलना है स्टिकर के अंदर, देन यहाँ आपको सर्च बार में चलना है, और यहाँ आपको लिखना है डस्ट इफेक्ट, सिर्फ डस्ट ही लिखना है, ठीक है। सो गाइस ये वाली डस्ट इफेक्ट हमें ऐड कर लेनी है, ठीक है। देन यहाँ हमें डन कर लेना है। सो आप इस तरह अपनी वीडियो के अंदर डस्ट इफेक्ट ऐड कर सकते हो। सो चलो वापस चलते हैं स्टिकर के अंदर। सो स्टिकर के अंदर देन यहाँ सर्च बार में चलना है, और यहाँ लिखते हैं रोज़, ठीक है। सो यहाँ आप रोज़ लिखोगे तो यहाँ से रोज़ वाली बहुत सारी स्टिकर आ जाएगी। सो ये वाली पीएनजी हमें ऐड करना है। सो आप इस तरह भी अपनी ब्लैक स्क्रीन को अट्रैक्टिव बना सकते हो गाइस। देन वापस स्टिकर के अंदर चलना है, और यहाँ आप गाइस जो आपको चाहिए स्टिकर वो यहाँ आप सर्च करके ऐड कर सकते हो। और टेक्स्ट ऐड करने के लिए गाइस आपको तो वही मेथड फॉलो करनी है जो हमने स्टार्टिंग में क्लाउड थंडर पर किए थे, ठीक है। सो आप इस तरह ब्लैक स्क्रीन को टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, और अपने एस्टेटिक वीडियो क्रिएट कर सकते हो। चलो अब जानते हैं कि आप अपने वीडियो के अंदर फ्लैश लाइट इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। सो आप लोगों ने इस तरह की फ्लैश लाइट एस्टेटिक रील्स के जो ब्लैक स्क्रीन है उस पर देखी होगी, ठीक है। सो चलो चलते हैं वीएन एप्लीकेशन के अंदर। सो फ्लैश लाइट इफेक्ट ऐड करने के लिए गाइस आपको क्या करना है, जहाँ पर फ्लैश लाइट इफेक्ट ऐड करनी है वहाँ पर चलना है, देन यहाँ गाइस आपको चलना है इफेक्ट्स के अंदर, और यहाँ जो आपको ये फ्लैश लाइट इफेक्ट देख रही है सो उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब सपोज गाइस मुझे यहाँ भी करनी है, ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ करनी है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्प्लिट कर दूँगा, और इस वाले पार्ट के अंदर एफएक्स के अंदर चलना है, देन यहाँ इसके के अंदर हम फ्लैश लाइट इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह आप अपने वीडियो के ब्लैक स्क्रीन के अंदर फ्लैश लाइट इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। सो मिलता हूँ आपको एक और न्यू एस्थेटिक वीडियो एडिटिंग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।